हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बार बार जिनको रिपीट किया गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या सीडीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट रिपीटेड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज के हमारे 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट वन। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज। सॉल्यूशन का मतलब हल, फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज, जितने भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन, या जितनी भी डिजीज हैं, बीमारी है, उन सब का जो हल, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेंसिया, PANACEA, पेंसिया यानी के रामबाण इलाज। हर एक बीमारी का जो सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, उसको पेंसिया कहा जाता है, यानी कि रामबाण इलाज। इस वर्ड को 11 बार पूछा जा चुका है, हर एक जो वर्ड है 10, 11, 8, 7 बार इसके अंदर पूछे गए हैं। दूसरा हमारा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डेड। एन क्या है, इंस्क्रिप्शन एक नाउन है, क्योंकि इससे पहले एन आर्टिकल आया है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, शिला का मतलब पत्थर के ऊपर कुछ उत्कीर्ण करना, कुछ लिखना, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ऑन ए टॉम्बस्टोन, मकबरे के ऊपर जो पत्थर वगैरह होता है, उसके ऊपर जो शब्दों को उत्कीर्ण किया जाता है, उकेरा जाता है, इन द मेमोरी, याद में, ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति की याद में, हु हैज़ डेड यानी जो व्यक्ति मर चुका है, उस व्यक्ति की याद में, उसके मकबरे के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो जिन वर्ड्स को उत्कीर्ण किया जाता है, उगेरा जाता है, उसको कहा जाता है एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, समाधि लेख। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग का मतलब कोई चीज़, नो लॉन्गर इन यूज, जो अब ज़्यादा प्रयोग में काफ़ी समय से नहीं है, कोई भी चीज़ जो काफ़ी समय से प्रयोग के अंदर नहीं लाई जा रही है, उसको कहा जाता है ओब्सोलीट, OBSOLET, ओब्सोलीट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अप्रचलित, यानी कि वो चीज़ प्रचलन में नहीं है, उसको कहा जाता है ओब्सोलीट। चौथा है हमारा ए पर्सन हु कैन एंड्योर, एक ऐसा व्यक्ति, एंड्योर मीन सहन करना, टॉलरेट करना, पेन दर्द को और हार्डशिप कठिनाइयों को, विदाउट शोइंग, बिना शो किए, हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को शो किए बगैर, जो दर्द को, कठिनाइयों को सहन करता है, या फिर कंप्लेनिंग या फिर शिकायत नहीं करता, उनको सहन करता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है स्टोइक पर्सन। स्टोइक पर्सन, STOIC, स्टोइक पर्सन, सहनशील व्यक्ति। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, समवन का मतलब कोई पर्सन, हु मेक्स चैरिटेबल, जो दया का काम करता है, चैरिटी करता है, दान देता है, डोनेशन देता है, उसको बोला जाता है एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी। छठा है एन एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा, फियर डर, ऑफ बीइंग, होने का, इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, कोई ऐसी जगह जो छोटी है, कन्फाइंड मीन सीमित है, जैसे कोई छोटी कोठरी होता है, छोटा कमरा होता है, उसके अंदर जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगे, उसको कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया, CLAUSTRO, क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, टेरर, डर को हम टेरर भी कहते हैं, TERROR, टेरर, AWE, आओ का मतलब भी डर, फियर का मतलब भी डर,
ट्रेपिडेशन, TRAPIDATION, ट्रेपिडेशन का मतलब भी होता है डर, जिसको एक सीमित छोटी सी कोठरी के अंदर छोटे से कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगे उसको कहा जाता है कैलास्ट्रोफोबिया। कैलास्ट्रोफोबिया छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। सातवां है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है। प्लीज को बोलते हैं खुश करना, हैप्पी करना। प्लीज को हम रिजोइस भी कह सकते हैं, REJOIC, रिजोइस करना, या फिर ग्लैड करना, खुश करना, या फिर प्लीज करना, एक ही बात है। ग्लैड, रिजोइस, हैप्पी, GAY, गे। गे का मतलब भी होता है प्रसन्न करना। तो जिसको प्रसन्न करना, खुश करना बहुत मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी कि हठी व्यक्ति, ढीठ व्यक्ति। आठवां है हमारा हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट, एक ऐसी हैंड राइटिंग, ऐसा लेख विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको क्या करना, इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको पढ़ना असंभव है, जिसको समझना मुश्किल है, ऐसी राइटिंग को कहा जाता है इलिजिबल। इलिजिबल अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, इलिजिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, समथिंग दैट कोई ऐसी चीज़ जिसको क्या है हर्ड, जो सुनाई नहीं दे, जिसको सुना नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है इनऑडिबल। इन ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल। अश्राव्य, श्राव्य का मतलब ऑडिबल और इनो इन लग गया तो अश्राव्य। दसवां है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है एक दूसरे पर्सन की, टू कमिट ए क्राइम, क्या करने में, अपराध करने में, और या टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, टू डू समथिंग कोई ऐसा काम करने में जो मॉरली, नैतिक रूप से, इथिकल रूप से जो क्या है गलत है, उसको कहा जाता है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश सह अपराधी, एकम्प्लिश सह अपराधी। हार्ड बट इजली ब्रोकन, कोई चीज़ हार्ड है लेकिन इजली ब्रोकन, उसे आसानी से ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या फिर लाइबल टू ब्रेक इजली, जो लाइबल का मतलब होता है वैसे तो लाइबल यानी टू ब्रेक इजली, लाइबिलिटी होता है जिम्मेदारी, वैसे कोई चीज़ जो आसानी से टूट जाए उसको कहा जाता है ब्रिटल। ब्रिटल भंगुर यानी जो बिल्कुल नाजुक है, इसको हम नाजुक कह सकते हैं। ए पर्सन एम्प्लॉयड, एक ऐसा व्यक्ति एम्प्लॉय, काम पर लगे हुए होना, टू ड्राइव ए प्राइवेट, कोई प्राइवेट कार है या जो हायर की गई है उसको जो ड्राइव करता है, उस पर काम पर लगा हुआ है ड्राइवर के रूप में, उसको कहा जाता है शोफर। CH से यहाँ बन रहा है शे, शे, शोफर। शोफर इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछ ली जाती है, CHAUFFEUR, CHAUFFEUR, शोफर, मोटर चालक, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति हो जो लिव छोड़ देता है हिज कंट्री, अपने देश को, टू लिव रहने के लिए, इन अनदर किसी दूसरे देश में रहने के लिए छोड़ देता है, उसको कहते हैं एमीग्रेंट। एमीग्रेंट यानी कि प्रवासी, परदेशी या देश को त्यागने वाला, तो उसको कहते हैं प्रवासी, एमीग्रेंट। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम यानी किसी व्यक्ति को क्या कर देना, फ्री कर देना, मुक्त कर देना, फ्रॉम से ऑल ब्लेम, जितने भी उसके ऊपर दोष लगे हुए हैं उन सब से उसको बरी कर देना, उसको कहा जाता है एग्जोनरेट। एग्जोनरेट दोष मुक्त करना, एग्जोनरेट दोष मुक्त करना। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन ऐसा व्यक्ति जिसको सुधारा नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, या वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, बियॉन्ड मीन्स से प्रे, जो सुधार से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल प्रे है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड इनक्रीजिबल। इनक्रीजिबल, INCORRIZIBLE,
ZIBLE इनक्रीजिबल, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसमें अमेंडमेंट, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है इनक्रीजिबल। 16 है हमारा समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। समथिंग कोई ऐसी चीज़ दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे बचा नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, इसको कहा जाता है अटल यानी इनएविटेबल। इनएविटेबल मान लिया कोई ऐसा कॉमेट है, कोई ऐसा धूमकेतु एस्टेरॉयड है जो मानो मान लिया कि पृथ्वी से बिल्कुल टकराने वाला है, और साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है इनएविटेबल। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो राइट लिखता है एंड एडिट भी करता है उसको डिक्शनरी को, शब्दकोश को जो व्यक्ति लिखता है उसको एडिट करता है, उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। ग्राफ का मतलब लिखना, लेक्सिको LEXICOGRAPHER लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश का जो लेखक होता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो डिसलाइक नफरत करना, हेट करना, HATE हेट नफरत करना, लोथ LOATHE लोथ नफरत करना, जो वुमेन से महिलाओं से नफरत करता है, मिजोगाइनिस्ट। मिस एक नेगेटिव वर्ड है और गाइन का मतलब होता है वुमेन, गाइन जो वर्ड है इसका मतलब होता है वुमेन, और मिस नेगेटिव वर्ड है तो मिजोगाइनिस्ट, स्त्री से द्वेष करने वाला, नफरत करने वाला, मिजोगाइनिस्ट। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, टू गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, वंस गिव अप को हम कह सकते हैं फोरसेक करना, गिव अप कर देना, रिलिनक्विश कर देना, एबंडन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, जो अपने सिंहासन को, अपनी अथॉरिटी को, पावर को क्या कर दे, छोड़ दे, त्याग दे, दैट इज कॉल्ड एबडिकेट, एबडिकेट त्याग देना। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वो एनिमल्स जो लैंड पर भी, स्थल पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, उसे कहा जाता है एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, एबडिकेट कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, उसको कहा जाता है मिजोगाइनिस्ट। और हमारा आज का 21वां है ए सिचुएशन इन ए कंट्री, किसी भी देश में या एक देश के अंदर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन या एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था है, संगठन है, उसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाना इन विच, जिसमें देर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ कोई न सरकार है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड अनार्की, अनार्की अराजकता, और अनार्किस्ट को कह सकते हैं अराजकतावादी, जो क्या है गवर्नमेंट्स को मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहता है, रूल रेगुलेशन नहीं चाहता, दंगे फसाद करना चाहता है, उसको कहा जाते हैं अनार्किस्ट, और अनार्की का मतलब होता है अराजकता। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास की स्टडी करना, एंड प्री हिस्ट्री, प्री मीन पहले, हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल की जो स्टडी करना, थ्रू के द्वारा एक्सेवेशन खुदाई ऑफ साइट, जो साइट होती हैं, जो स्थल होते हैं, वहाँ पर खुदाई करके मानव इतिहास की और प्रागैतिहासिक काल की स्टडी करना, अध्ययन करना, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, लॉजी में स्टडी करना, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे एवियरी कहा जाता है, एवियरी यानी पक्षीशाला। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बिब्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है लव करना, बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन का फ्लैश होता है, मांस खाता है, उसे नरभक्षी कहा जाता है, यानी कैनिबल, CANNIBAL कैनिबल, नरभक्षी। ए पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग से संबंधित, सेम टाइम एक ही समय से संबंधित होना, मान लिया कोई दो राजा हैं, वो एक ही समय के हैं, उनको समकालीन कहा जाता है, कंटेम्प्ररी, CONTEMPORARY कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन।
ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, जब नाटक के अंत में हम कोई अपना छोटा सा भाषण देते हैं उसे कहा जाता है एपीलॉग, एपीलॉग उपसंहार, एपीलॉग। और आज का हमारा 27वां जो वाक्य है वो है, स्पीच और प्रेजेंटेशन। एक स्पीच, कोई भाषण या कोई प्रेजेंटेशन, कोई उपस्थिति, मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मेड विदाउट प्रीवियस, जिसके लिए आपने कोई पहले तैयारी नहीं की। कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, कोई भी भाषण देना है और आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, उसे कहा जाता है बिना तैयारी का भाषण, यानी एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर, ये एक एडजेक्टिव है बिना तैयारी के। वन हु ईट टू मच, वन ऐसा व्यक्ति, हु ईट्स जो खाता है, टू मच बहुत ज़्यादा, उसे कहा जाता है ग्लूटन, GLUTEN, ग्लूटन 5 बार पूछा जा चुका है, ग्लूटन। पेटू यानी कि खाऊ पीर, खाऊ। 30वां, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, एनिमल जो किसके अंदर रहते हैं, समूह में रहते हैं, टेंडिंग टू एसोसिएट विद ईच अदर ऑफ वंस काइंड, और अपने ही प्रकार की जो रेस है उससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाला, ग्रुप में रहने वाला। ग्रे, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस, झुंड के अंदर रहने वाला। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, वन एक ऐसा व्यक्ति, हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से डिसीव किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, उसे कहा जाता है गुलीबल, GULLIBLE, गुलीबल, आसानी से धोखा खाने वाला व्यक्ति, गुलीबल एडजेक्टिव है। और 32 है हमारा एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से जिसको सबसे ज़्यादा डर लगे उसको कहते हैं हाइड्रो, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिया मीन जल, हाइड्रोफोबिया, पानी से भय लगना। दैट विच कैन बी सेटिस्फाइड, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, कंटेंट नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इनसेटिएबल, इनसेटिएबल, असंतुष्ट होना, लालची होना। वन हु डाइज विदाउट ए विल, विल का मतलब होता है वसीयत, और एक विल जो कि एक मॉडल है कागे की, यहाँ विल का मतलब वसीयत, जो बगैर वसीयत के मर जाता है उसे कहते हैं इंटेस्टेट, इंटेस्टेट यानी बिना वसीयत मरा हुआ, इंटेस्टेट। ए प्लान ऑफ ए जर्नी, आप कोई जर्नी कर रहे हैं उसके लिए आपने प्लान बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग, और उस प्लान में क्या क्या चीज़ शामिल है, आपका रूट कि किस रूट से आपको जाना है, एंड द प्लेस दैट यू विजिट, और किन किन स्थानों पर आप विजिट करेंगे, ये भी उसके अंदर जर्नी के अंदर शामिल है, उसे कहा जाता है आइनरी, आई, ये टीज के अंदर नहीं, साइलेंट प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ITINERARY, आइनरी, आइनररी यानी कि यात्रा का कार्यक्रम, यात्रा का विवरण, उसको कहते हैं आइनरी। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, किथ एंड किन होते हैं सगे संबंधी, किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। गिविंग देना, अनड्यू, अनड्यू का मतलब एक्सिव, बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से किसी का बहुत ज़्यादा पक्ष लेना, वंश अपने जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ज़्यादा पक्ष लेना, उसको कहते हैं भाई भतीजावाद, यानी कि नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, और ये ट्रम्प पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा यूज की जाती है। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, रिनोन्ड, वेल नोन को RENOWNED, रिनोन्ड का मतलब होता है फेमस पर्सन। वेल नोन फॉर बींग बैड, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम करने के लिए फेमस है उसको नोटोरियस, नोटोरियस, कुख्यात कहा जाता है, नोटोरियस कहा जाता है। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके अंदर से जो लाइट है, प्रकाश है, वो गुजर नहीं सकता,
ऐसी चीज़ों को कहा जाता है ओपैक्यू। ये छठी और सातवीं की साइंस में भी है ये वर्ड ओपैक्यू, OPAQUE, ओपैक्यू होता है अपारदर्शी। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीड स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो टिकट को इकट्ठा करता है और उनकी स्टडी करता है, उसको कहते हैं फिलैटेलिस्ट। फिल का मतलब लाओ, फिलैटेलिस्ट डाट, जो डाक टिकट होती हैं उनको कलेक्ट करने वाला संग्रह, संग्राहक बोलते हैं जिसको फिलैटेलिस्ट। वोयलेशन ऑफ समथिंग होली, वोयलेट करना, उल्लंघन करना समथिंग किसी चीज़ का, होली कोई पवित्र चीज़ है, कोई सेक्रेट चीज़ है उसको वोयलेट कर देना, उसको कहते हैं सेक्रिलीज, SACRILEZ, अपवित्र कर देना, अपवित्रीकरण, सेक्रिलीज। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पबर्टी, पीरियड समय, बिटवीन के बीच, बिगिनिंग ऑफ पबर्टी, पबर्टी होता है यौन अवस्था, 12 से 16 साल की जो उम्र होती है उसको कहते हैं पबर्टी। एंड अडाल्टहुड, अडाल्टहुड को बोलते हैं यौवन, यौवन अवस्था यानी 18 साल की उम्र, यानी पबर्टी और अडाल्टहुड के जो है, जब पबर्टी शुरू होती है यौवन अवस्था, और जो अडाल्टहुड होता है उसके बीच का जो पीरियड है उसको अडोलसेंस कहा जाता है, किशोर अवस्था, अडोलसेंस, ADOLESCENCE, अडोलसेंस, किशोर अवस्था। और इससे अगला हमारा वर्ड है ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ए लिस्ट सूची, आइटम्स उन चीज़ों की सूची, टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, भाई ऐसी कुछ आइटम्स हैं जिनको आपने मीटिंग के अंदर डिस्कस करना है, उनके बारे में बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करना है, उसको कहते हैं एजेंडा, कार्य सूची, एजेंडा। एबल सक्षम होना, योग्य होना, टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दोनों हाथों को प्रयोग करने में सक्षम होना, इक्वली वेल, दोनों हाथों को बराबर रूप से आप जब उनका यूज करते हो उसको कहते हैं एमबी, एमबी का मतलब बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, स्किल होना किसी चीज़ के अंदर, एमबी डेक्स्ट्रस यानी कि दोनों हाथों से लिखने में क्या है, निपुण होना। थ्री इडियट मूवी के अंदर जो बोमन ईरानी है वो दोनों हाथों से लिखते हैं, वो क्या है, एमबी डेक्स्ट्रस है। ए पार्शियल, पार्शियल होता है आंशिक रूप से, और टोटल होता है पूरी तरह, लॉस ऑफ मेमोरी, जब आपकी याददाश्त पूरी तरह या आंशिक रूप से लॉस हो जाती है उसको एमनीजिया कहा जाता है, AMNESIA, एमनीशिया, एमनीजिया, भूलने की बीमारी। 46 है एन ऑफिशियल पार्डन, आधिकारिक रूप से किसी को माफ़ कर देना, या फिर फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, औपचारिक रूप से एक्ट, कौन सा काम, लिबरेट समवन, किसी को मुक्त कर देना, उसको कहते हैं एमनेस्टी, एमनेस्टी, राज क्षमा, राज क्षमा। और 47 है हमारा आज का, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, एक वाटर बॉडी है कोई विद मैनी आइलैंड्स, जिसके ऊपर बहुत से जो हैं आइलैंड्स हैं, बहुत से द्वीप हैं, उसको कहते हैं आर्किपेलेगो, ARCHIPELAGO, आर्किपेलेगो, द्वीप समूह। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक, सार्वजनिक, सरकार के या फिर जो भी हिस्टोरिक, ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है, उसको आर्कीव बोलते हैं। वैसे तो हम इसको आर्कीव्स कहते हैं लेकिन आर को प्रनंस नहीं किया जाता इसलिए इसको आर्कीव्स बोलेंगे, आर्कीव्स, वैसे बोलते हैं आर्कीव्स, आप आर्कीव्स ही समझ लेना ताकि अच्छी तरह याद हो जाए, ये तो हमें स्पीकिंग में ज़्यादा काम आता है इसलिए इसको आर्कीव ही बोल लेना, या फिर आर्कीव्स यानी अभिलेखागार, अभिलेखागार। और 48 है हमारा, 49 है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, वन ऐसा व्यक्ति हु डिनाई मना करता है वन सेल्फ ऑर्डिनरी, जो साधारण, जो बॉडी के जो ऐसी चीज़ें जिनसे हमें अपने शरीर को सुख चैन प्लेजर खुशी मिलती है उन चीज़ों को वो छोड़ देता है, त्याग देता है, सांसारिक भोग की चीज़ों को वो त्याग देता है, उसको कहते हैं साधु सन्यासी तपस्वी यानी कि एसेटिक, एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक, सन्यासी तपस्वी। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अंदर यकीन नहीं रखता उसको कहते हैं एथिस्ट, थिस्ट तो होता है
जो भगवान में यकीन रखता है, और इसके आगे जब ए लगा देंगे तो हो जाएगा एथिस्ट, जो भगवान में यकीन नहीं रखता। और एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु इज़ डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, जिसको ये डाउट है पता नहीं भगवान का अस्तित्व है या नहीं भी, उसको उस चीज़ को लेकर वो डाउटफुल रहता है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक पर्सन। और जो क्या नाम है, भगवान के बारे में भला बुरा कहता है, इम्पायस वर्ड का यूज करता है, उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। ये आगे भी आएगा। एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन का विवरण, रिटन बाय सेल्फ, जो अपने आप के द्वारा लिखा गया है, ऑटो मीन्स स्वयं, बायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी यानी कि आत्मकथा, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। वर्ड्स अटर्ड, वर्ड्स मीन्स शब्द, अटर का मतलब टू से कहना, पायस पवित्र, इम्पायसली अपवित्र, अबाउट गॉड, भगवान के बारे में अपवित्र शब्दों का प्रयोग करना, या एक्ट ऑफ स्पीकिंग, एक्ट ऐसा काम, स्पीक बोलना, इररेलीवेंटली, रेलिवेंट होता है प्रासंगिक, इररेलीवेंट होता है अप्रासंगिक, अबाउट गॉड, सेक्रेड थिंग्स, धार्मिक या पवित्र चीज़ों के बारे में अप्रासंगिक बोलना या भगवान के बारे में अपवित्र बातें कहना, उसको कहा जाता है ब्लास्फमी, BLASPHEMY, ब्लास्फमी, ईश्वर की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। 53 years का, ए पर्सन हु ड्राज और मेक मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है, उनको ड्रा करता है, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार, उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। 54 वाला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है वन हु प्लान द स्टेप्स एंड मूव इन ए डांस। वन हु प्लान, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लान करता है स्टेप एंड मूव, कि डांस करते समय आपने किस तरह के स्टेप करने हैं, कब आपने मूवमेंट करनी है, उसको कहते हैं कोरियोग्राफर, CHOREO, कोरियोग्राफर यानी कि नृत्य निर्देशक। कोरियोग्राफर को क्या कहते हैं, नृत्य निर्देशक। और कोरियोग्राफर क्या करता है, डांस के अंदर कैसे स्टेप करने हैं, कैसे मूवमेंट करनी है, इस चीज़ का वो प्लान करता है। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति हु नोज, जो जानता है अलॉट बहुत ज़्यादा अबाउट के बारे में, थिंग्स चीज़ें जैसे कि भोजन के बारे में, संगीत के बारे में, कला के बारे में, जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है उसको कहते हैं कोनोइजर, कोनोइजर। इसकी जो है स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, CONOISEUR, CONOISEUR, कोनोइजर का मतलब होता है पारखी या विशेषज्ञ, पारखी या विशेषज्ञ। ए मैन हु इज रिकवर फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से अभी ठीक ही हुआ है, जिसने रिकवरी की है, उसको कहते हैं कन्वालेसेंट्स, कन्वालेसेंट, CONVALESCENT, कन्वालेसेंट्स, बीमारी से ठीक होना, इलनेस से अपने आप को रिकवर करना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, स्किन की, त्वचा की बीमारी की वैज्ञानिक स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, अध्ययन करना, उसको कहते हैं ड्रमा, ड्रमा का मतलब ही होता है स्किन, त्वचा, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी करना, उसको बोलेंगे डर्माटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। और जो स्किन की स्टडी करता है, जो डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। जैसे कि मैं कहूँ हार्ट की जो स्टडी करता है, स्पेशली जो हार्ट का डॉक्टर होता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, CARDIO, कार्डियोलॉजी। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, और लॉजी का होता है स्टडी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और इसके आगे मैं लगा दूँ IST तो बन जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है।
त्वचा का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन। मैन एक ऐसा आदमी बिहेव व्यवहार करता है मोर लाइक ए वुमेन देन कंपैरिजन कर दी एज ए मैन, आदमी की बजाय जो औरतों जैसा ज़्यादा व्यवहार करता है, जिसके अंदर मनुष्यों जैसा व्यवहार की कमी है, उसको कहते हैं इफेमिनेट EFFEMINATE इफेमिनेट, यानी के नारी जैसा, महिला जैसा, जिसका व्यवहार आदमियों की बजाय कम महिलाओं जैसा ज़्यादा है, महिलाएं महिला की गुण उसके अंदर ज़्यादातर मौजूद हैं, उसको कहते हैं इफेमिनेट, नारी जैसा। ए पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट, एक ऐसी पोएम जो क्या व्यक्त करती है, अफसोस फॉर द डेड, डेड किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में जब शोक प्रकट किया जाता है, जो पोएम गाई जाती है, उसको एल्गी कहा जाता है ELEGY एल्गी, शोक गीत एल्गी। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एक्ट ऐसा काम, मिस नेगेटिव आ गया, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अप्रोप्रिएशन का मतलब गलत प्रयोग करना, यानी दुरुपयोग करना, पैसे का जब गलत तरीके से प्रयोग किया जाए उसको कहते हैं एम्बेजलमेंट, गबन करना, चोरी करना, एम्बेजल बहुत बार पूछा गया है ये, इसकी स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं EMBEZZLEMENT एम्बेजलमेंट, गबन करना यानी थेप्ट करना, रोबरी करना, यानी कि क्या करना, डिलफ्रेज करना, है ना, डायलफ्रेज DILFERAZE या लार्सनी करना, लार्सनी बहुत पूछा जाता है, रोबरी थेप्ट एम्बेजलमेंट गबन कर लेना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट पतंग कीड़े मकोड़ों की वैज्ञानिक स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को एंटमोलॉजी कहा जाता है ENTOMOLOGY एंटमोलॉजी, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। केजिंग और एंडिंग इन डेथ, केजिंग और एंडिंग इन डेथ, डेथ के बिल्कुल अंत, जिसका बिल्कुल अंत होने वाला बिल्कुल पास है, ऐसे कोई केज करना, ऐसे कोई कारण पैदा करना, जिसको कहते हैं घातक, फाटाल, FATL फाटाल होता है घातक। द मर्डर ऑफ ए होल रेस, पूरी की पूरी रेस, पूरी प्रजाति, पूरी जात का क्या कर देना, कास्ट का मर्डर कर देना, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी समूह के, एक ग्रुप के, एक रेस के कोई पीपल हैं, उन पूरे के पूरे लोगों को मार देना, उसको कहते हैं जेनोसाइड, साइड का मतलब डाई करना, मार देना, जेनोसाइड, जाति का संहार कर देना, नरसंहार। ए पर्सन हु सफर फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है किससे, एक काल्पनिक बीमारी से, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपो HYPO हाइपोकॉन्ड्रियक CHONDRIAC हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है किसी को इल्यूजन हो जाना कि मेरे जो कोई बीमारी है, बस वो ऐसी इमेजिनेशन करता है, हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है उसे। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ए पर्सन ऐसा व्यक्ति, प्रिटेंड दिखावा करना, ढोंग करना, टू बी होने का, समबडी ही इज नॉट, ऐसे व्यक्ति जैसा होने का दिखावा करना जो वास्तव में वो है ही नहीं, उसको कहते हैं हाइपोक्राइट, पाखंडी, हाइपोक्राइट, पाखंडी। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, अप्रोच मीन अराइव, पहुंचना, जहां तक पहुंचा न जा सके, जहां तक पहुंचना, इनकैपेबल, कैपेबल सक्षम, इन लग गया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते उसको कहते हैं इन एक्सेसिबल, एक्सेस होता पहुँच, इन लग गया तो उल्टा होगा, इन एक्सेसिबल यानी दुर्गम, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, इन एक्सेसिबल। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, जिस पर यकीन किया जा सकता है उसको क्रेडिबल कहा जाता है, क्रेडिबल, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, अविश्वसनीय,
और जिस पर यकीन कर सकते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल से बना क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। इनकेबेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, असक्षम होना, फीलिंग टायर्ड, ऐसा व्यक्ति जो कभी फील ही नहीं करता कि वो थका हुआ है, या एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट मीन फटिग, थकान, टायर्ड फील करना, ऐसा व्यक्ति जो इनकैपेबल है, जिसको लगता ही नहीं कि वो थका हुआ है, उसको कहते हैं इन डिफिट, इनफटिगेबल। फटिग मीन थकान, इन डी फटिगेबल यानी न थकने वाला। INDEFATIGABLE, इनडिफिटिगेबल का मतलब जो न थके। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता, इनफालिबल। फालिबल होता है गलती करने वाला, इनफालिबल अचूक, कभी गलती ना करे। द कंडीशन ऑफ बींग अनहैप्पी टू स्लीप, द कंडीशन, ऐसी अवस्था, ऑफ बींग अनेबल टू स्लीप, जिसमें आप सोने में सक्षम नहीं हो, ऐसी अवस्था, ऐसी हालत हो जाना, इंसोमानिया, अनिंद्रा आना, नींद न आना, इंसोमानिया। दैट विच कैन बी कॉल्ड बैक, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे क्या है, वापस नहीं पुकारा जा सकता, जिसे वापस नहीं कॉल किया जा सकता। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल यानी अटल होना कोई चीज़, इरी IRREVOCABL, इरिवोकेबल, अटल होना। ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, एक ऐसा सोल्जर जो किसी भी देश के लिए लड़ेगा। ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट, या कोई ऐसा ग्रुप आर्मी का, सोल्जर्स का, जिसको क्या दिया जाता है, ऑफर दी जाती है, पेमेंट दिया जाता है, और किसी भी देश में भेज दिया जाता है। पैसे के लिए काम करने वाला जो सैनिक होता है, उसको मर्सिनरी कहा जाता है, किराए का सैनिक। mercenary, किराए का सैनिक। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ए पर्सन हु हेट्स, जो नफरत करता है, अवॉइड अदर पीपल, और दूसरे लोगों से बचता है। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, मिस नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हो गया, मिस एंथ्रोप, मानव से द्वेष करने वाला, उसको बोलेंगे मानव द्वेषी, मिस एंथ्रोप। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन इकट्ठे करता है, सिक्के इकट्ठे करता है। न्यूमिस्मेटिस्ट, मुद्रा, करंसी को जो इकट्ठा करता है, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। ए जियोमेट्रिकल फिगर, जियो का मतलब भू, मेट्री यानी कि मेजर करना, एक ऐसा फिगर जियोमेट्रिकल विद एट साइड, जिसकी कितनी साइड होती हैं, आठ साइड होती हैं, ऑक्टागन, अष्टभुज। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप, लोगों का एक छोटा सा समूह के द्वारा जब शासन किया जाता है, उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, ओलीगार्की कहलाती है, OLIGARCHY, ओलीगार्की यानी अल्पतंत्र, अल्पतंत्र। वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के है ना, ब्राइट साइड को देखता है, उसके पॉजिटिव साइड को देखता है, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ए पर्सन हु अपोज वार, एक ऐसा व्यक्ति जो अपोज करता है, विरोध करता है युद्ध का, या यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, या जो भी मिलिट्री यूज की जाती है, उसका जो है अपोज करता है, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, आशावादी, PACIFIST, पैसिफिस्ट, आशावादी। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति हु नो, जो जानता है, एंड एबल, सक्षम है, योग्य है, टू यूज सेवरल लैंग्वेज, जो अनेक भाषाएं यूज करने में भी सक्षम है, उसको कहते हैं पोली, पोली का मतलब अनेक, पोलीग्लॉट, POLYGL, पोलीग्लॉट, बहुभाषी, बहुभाषी। ए पर्सन वेरी रिजर्वड इन स्पीच, स्पीच रिजर्व, अपने आप को सीमित रखना, लिमिटलेस रखना, जो ज़्यादा न बोले, उसको कहते हैं रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, जो कम बोलता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसको कहते हैं टॉकटिव, टॉकटिव, और रेटिसेंट को लैकोनिक भी कह सकते हैं, कम बोलने वाला, मधुरभाषी, LACONIC, लैकोनिक। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, ऐसी सरकार, नॉट कनेक्टेड, जो जुड़ी हुई नहीं है धार्मिक, रिलीजियस, धार्मिक और जो आध्यात्मिक मामलों से, जो ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है, उसको कहते हैं सेक्युलर,
धर्म निरपेक्ष, जो किसी एक धर्म को ना माने, एक धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव ना हो, उसको कहा जाता है सेक्युलर। सेक्युलर धर्म निरपेक्ष। और आज का हमारा जो 81 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ए लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या में जो फिशेज हैं, मछलियाँ, फिश हैं, स्विमिंग टुगेदर, जब वो एक साथ तैरती हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जब मछलियाँ एक साथ तैरती हैं, उसको क्या कहा जाता है, शोल। कलेक्टिव है ये SHOAL, शोल, यानी मछलियों का समुदाय, ये एक नाउन है। और 83 है, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी एक आपकी ऐसी नौकरी है, ऐसा दफ्तर में काम है जहाँ सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन काम बहुत कम है, उसको कहते हैं साइनेक्योर जॉब। SINECURE, साइनेक्योर, यानी आराम की नौकरी। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जिसे सारे सारे संसार में ढूंढा जा सके, जहाँ पाया जाए, जो उसको यूनिवर्सल कहा जाता है, सार्वभौमिक कहा जाता है। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी एल्कोहल यानी कि लिक्विड, यानी कि लिक्विड शराब नहीं लेता, ड्रिंक नहीं पीता, उसको बोलते हैं टीटोटलर। टीटोटलर पूर्णता मद त्यागी, मद मीन शराब को त्यागा, जो शराब नहीं पीता, टीटोटलर कहा जाता है उसे। 86 है महाराज का, वन हु लैंड मनी, जो पैसे उधार देता है, ऑन हाई रेट्स, बहुत ज़्यादा दर पर, रेट पर ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर जो है क्या देता है, पैसे उधार देता है, उसको बोलते हैं यूजरर्स। USURER, यूजरर यानी सूद खोर, जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर, इंटरेस्ट रेट जिसकी ज़्यादा है और पैसे वो लैंड देता है, उधार देता है, उसको यूजरर्स कहा जाता है, सूदखोर। ए पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जिसका लंबा अनुभव है, या प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, किसी भी काम में जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, उसको कहते हैं अनुभवी, वेटरन, VETER, वेटरन, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक गोल रिंग होती है डेकोरेटिव, कोई रिंग जिसको सजाया जाता है फूलों से, पत्तियों से, उसे कहा जाता है रिथ, WREATH, रिथ, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसका निर्माण किया जाता है फर्स्ट लेटर से, पहले अक्षर से, ऑफ द वर्ड्स, उस शब्द का पहले लेटर से जिसका निर्माण किया जाए, दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, जो किसी का नाम जिससे बने, उसको कहते हैं एक्रोनिम, ACRONYM, एक्रोनिम, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। जैसे मैंने लिखूँ नाटो, तो एन से क्या बनता है, नाटो, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO, W से क्या बन गया, वर्ल्ड, H से हेल्थ, O द ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं एक्रोनिम। कंसर्न विद का मतलब होता है रिलेट टू, संबंधित होना, विद ब्यूटी, कोई ऐसी चीज़ जो सुंदरता से संबंधित है, या एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जब सुंदरता की तारीफ की जाए, उसको कहते हैं एसेटिक, एसेटिक यानी कि सौंदर्य बोधी, ASTHETIC, एसेटिक, एसेथेटिक यानी कि सौंदर्य बोधी। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है, या ठीक है, बिलोंग टू फॉरेन कंट्री, दूसरा देश का, या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, यानी कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति, उसको कहते हैं एलियन, अजनबी यानी कि विदेशी। कैपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड इन इधर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयर फॉर नॉट डिफाइन, कैपेबल हो आप, सक्षम हो चीज़ों को अंडरस्टूड करने में, समझने में, इन इधर ऑफ टू या मोर पॉसिबल सेंस, कि जिसके एक या एक से ज़्यादा कुछ सेंस हो, अर्थ हो, देयर फॉर नॉट डिफाइन, जिसको क्या डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं एम्बिग्यूस, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूस, अनेकार्थी।
ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो ये बिलीव करता है कि ना कानून की ज़रूरत है ना सरकार की ज़रूरत है, उसको कहते हैं अनार्किस्ट अराजकतावादी, अनार्किस्ट अराजकतावादी। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर्स, द डेट ऐसी डेट ऑन विच जिस डेट पर कोई भी इवेंट घटित हुई थी, घटना घटी थी इन सम प्रीवियस पिछले के सालों में उस डेट पर कोई घटना घटी थी उसे कहते हैं एनिवर्सरी सालगिरह। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव की जो रेस है उसकी स्टडी करना, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजन, विशेष तौर पर उसकी ओरिजन, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, उसके क्या क्या रीति रिवाज हैं, उसकी क्या क्या बिलीव्स हैं, धारणाएँ हैं, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, किसी भी ट्रेड को सीखने के लिए एक्सपर्ट से जो है क्या करता है, एज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के रूप में काम करता है, यानी किसी एक्सपर्ट से सीखता है, उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप, APPRENTICE, अप्रेंटिसशिप। जैसे मान लिया कोई ITI करता है, फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, तो अपना डिप्लोमा करने के बाद वो जो है उसकी अप्रेंटिस लगती है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी के अंदर, वहाँ पर वो चीज़ों को सीखता है। जैसे MBBS है, 5 साल का जैसे कोर्स है, 5 साल के कोर्स में जैसे 4 साल तो वो थ्योरी पढ़ता है और 1 साल के लिए वो क्या करता है, अप्रेंटिसशिप करता है, उसको कहते हैं शिक्षार्थी। अप्रेंटिसशिप को हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, ट्रेनिंग। प्रोबेशनर, जैसे गवर्नमेंट जॉब लगने पर 1 या 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर वो सीखता है, प्रोबेशनर भी कह सकते हैं, लर्नर भी कह सकते हैं हम इसको, और अप्रेंटिस को हम नोविश, नोविश कह सकते हैं। टायरो, जो नया नया है, बिगिनर भी कह सकते हैं, नियोफाइट, जो नया है, अभी सीख ही रहा है, अभी पूरी तरह वो जो है एक्सपर्ट नहीं हुआ है, और इसका बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, नियोफाइट का, अप्रेंटिसशिप का, ट्रेनिंग का आ जाएगा वेटरन, अनुभवी या फिर एक्सपर्ट होना। आज का हमारा जो 97 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ए गिलास टैंक, एक गिलास का टैंक, कांच का टैंक, वेयर जहाँ फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ट, जहाँ मछलियों को रखा जाता है या जो जलीय पौधों को रखा जाता है, एक्वेरियम, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, मछलीघर। द रूल बाय नोबल्स, शासन किन के द्वारा, नोबल व्यक्तियों के द्वारा। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, गवर्नमेंट किन के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर हैं, जो काफ़ी श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा जब सरकार चलाई जाती है उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जन के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जब सत्ता चलाई जाती है एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है उसको। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर एटमोसफेयर, एटमोसफेरिक प्रेशर, एक ऐसा उपकरण यूज्ड, प्रयोग किया जाता है फॉर के लिए, मेजर मापना, एटमोसफेयरिक, वातावरण के अंदर, एटमोसफेयर के अंदर जो प्रेशर है, दबाव है, वायुदाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है, BAROMETER, बैरोमीटर, वायुदाब मापी यंत्र। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, ऐसी जगह जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसको बैरक्स कहा जाता है, BARACS, बैरक्स कहा जाता है उसको। और हमारा आज का 101वां वर्ड है, ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट, टॉलरेंट होता है सहन करना, इनटॉलरेंट, जो सहन ना करे, टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, मान लिया किसी व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग मत हैं, और वो किसी व्यक्ति को होना सहन ना हो, उसको कहते हैं बिगट, हठ धर्मी, कट्टर व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति को कहते हैं बिगट पर्सन। ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, बायलिंगुअल कहते हैं, बाय मीन 2 लिंगुअल, बायलिंगुअल, BILING, बायलिंगुअल, द्विभाषी। एक गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, एक गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसको क्या है, ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCR, क्रेसी का मतलब होता है रूल, शासन, नौकरशाही। होल, कोई छेद करना, एग्जीक्यूट, खुदाई करना, खोद करके किस कोई होल करना, बाई के द्वारा, एन एनिमल, एक कोई जानवर है और वो खुदाई करके कोई बिल बना देता है, एज डेवल, डेवल में रहने के लिए, उसको कहते हैं ब्रो, ब्रो का मतलब बिल। तो आज के इस सेशन में हमने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड
200 वर्ड्स हैं उसका सेट वन हमने किया। इसके अंदर हमने 104 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के किए जो कम से कम 8 10 11 बार पूछे गए हैं, जो एसएससी के हिसाब से चाहे वो एसटेट हो सीटेट हो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।